आपकी पार्टी के केंद्र के अध्यक्ष आदरणीय सुदेश कुमार जिंदाबाद, इस्माइल अंसारी, जवाहरलाल महतो, वृंदावन रजवाड़, मंडू को विकासपुर झारखंड के नायक आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी है। और कृपया कृपया आप लोग मंच से उतर जाए। नजरुल हसन हाथ रजक जी को पूरे बात और सपने जा रही है, इसमें कहीं कोई कतई नहीं है। बैठे हुए हैं ऐसे हमारे इस विरोध अध्यक्ष झारखंड के, उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि चंदन क्यारी की जनता अब की बार भूल नहीं करेगी। मैंने यही कहा था, पहले भी मैंने कहा है कि चंदन क्यारी में चूंकि संगठन का इतना मजबूत है, तो पहले भी मैं हमेशा कहता हूं कि यहां केला बगान मजबूत रखना जैसे बातों को मैं हमेशा कहा हूं। तो यहां पार्टी के जो लोग हैं, जो पार्टी के पर्स हैं, वो अब बड़ी तादाद में मजबूती से सामने आए। पिछले समय में जो कुछ कमी रह गया, जो ना हो पाया, जो स्थितियाँ बनी थी, वो जिस कारण से भी बनी हो, वो स्थिति बदला हुआ चंदन क्यारी नजर आ रहा है। तो मैंने यही कहा कि भाई अपने बगान को आप सुरक्षित रखना। तो चंदन क्यारी में अपना प्रत्याशी उतारेगा? ये पहला तो ये सवाल कहाँ से आता है कि अच्छू चंदन क्यारी में प्रत्याशी नहीं उतारेगा, ये सवाल कहाँ से आता है? ऐसे कई जगहों पर होंगे जहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, हमारे लोग हैं, लेकिन ये खेत पहले से चिन्हित किया हुआ है। यह अच्छू का केला बगान है ना, तो ये चिन्हित किया हुआ है। और हम लोगों ने इस बार एनडीए में ये तय है कि जो मजबूती के आधार पर चुनाव में जाएंगे, किसी पैरवी के आधार पर नहीं जाएंगे, किसी व्यक्ति के आधार पर कि कोई कहीं पर अपनी पैरवी से ले जाए या कुछ करे, हम लोग सब पर विचार करेंगे। लेकिन ये अच्छू का एक मजबूत गढ़ है, यहाँ मजबूती से गांव घर अच्छू के विचारधारा पास है और निश्चित रूप से यहाँ अच्छू मजबूती से अपना परिणाम देगी। कितने सीटों पर लड़ेंगे गठबंधन में? कितनी आप तो सब जा रहे हैं कि यहाँ तय नहीं हो सकता, ये बातें चलेंगी राष्ट्रीय मैंने उनके 70 पार बोलने के बाद बाकी पार्टियां नहीं लड़ रही है क्या? ये सवाल यार, ये जब गठबंधन में बैठेंगे तब ना बात करेंगे कहाँ पर जाएंगे। नहीं, मेरी एक बड़ी तैयारी हो रही है, बस यही जानो कि पार्टी राज्य में एक बड़ी तैयारी कर रही है। मैंने कहा राज्य भर में पार्टी तैयारी कर रही है एनडीए को एक बड़ी जीत दिलाने के लिए। मैंने जहाँ लड़ेंगे वहाँ तैयारी करेंगे, सहयोगी के रूप में भी, तो सहयोग करने के लिए पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। तो पार्टी राज्यभर में तैयारी कर रही है, राज्यभर के पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं आने वाले चुनाव में एनडीए को बड़ी बहुमत दिलाने की। एनडीए आज तक तो तय, केवल अन्यास प्रश्न खड़ा करना मुझे नहीं लगता ये जरूरी है। अब ध्यान केंद्रित करिए कि इस राज्य में एक राज्य के लोगों को झारखंडी विचारधारा, झारखंड की आवश्यकता के अनुसार झारखंड में मजबूत सरकार बनाने की पहल के लिए, एक नया जनादेश लेने के लिए हमारी तैयारी चल रही है। ये हमारी तैयारी उस रूप से है कि हम उस लक्ष्य को